दोस्तों दिवाली के मौके पर रिलीज हुई सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म हाउसफुल 4 को सिनेमाघरों में ऑडियंस की तरफ से भरपूर प्यार मिल रहा है, जबकि दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफी खराब रेटिंग्स मिली है। इसके बावजूद भी दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार रिकॉर्ड के साथ काफी अच्छी कमाई भी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म का जो पहला हफ्ता था वो काफी धमाकेदार रहा है, क्योंकि इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी कि 7 दिनों के नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाए है 141 करोड़ 31 लाख रुपए। इस कलेक्शन के साथ ही दोस्तों हाउसफुल 4 पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 2019 की तीसरी फिल्म बन चुकी है। पहले हफ्ते की दमदार कमाई के बाद दोस्तों इस फिल्म ने अपने 8वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई की। और बता दें आपको कि दोस्तों इस फिल्म ने अपने 8वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 8 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई करके कबीर सिंह के बाद 2019 में सेकेंड वीक में सबसे अच्छा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने 8वें दिन भी कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। वहीं अपने 9वें दिन भी दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी है। और इस फिल्म ने जहां अपने 9वें दिन मॉर्निंग में 28 से 30% की ऑक्यूपेंसी हासिल की थी, वहीं इवनिंग में इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी थी वो सभी जगह हाउसफुल हो चुकी थी। इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म ने अपने 9वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 13 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई करके एक और रिकॉर्ड बना दिया है। और सुपरस्टार अक्षय कुमार की ही हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों में से एक केसरी, अजय देवगन के हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों में से एक टोटल धमाल और सुशांत सिंह राजपूत के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म छिछोरे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बताया दोस्तों आपको कि इसी के साथ इस फिल्म ने सुपर 30 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, जिसका कि लाइफ टाइम कलेक्शन 150 करोड़ रुपए था। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2019 की 6ठी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी थी। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिल रहे काफी शानदार रिव्यूज के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आज भी 10 से 15% की ग्रोथ के साथ ओपन हुई है। और आज की इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो रही है 30 से 35% की। आफ्टरनून में दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस ऑक्यूपेंसी है वो दिखा रही है 45 से 50% की। वहीं दोस्तों आज इस फिल्म के जो इवनिंग शो है वो भी हाउसफुल होने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म अपने सेकेंड वीक में लगभग 2600 स्क्रीन्स पर 17 करोड़ रुपए की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड बना चुकी होगी। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी काफी पसंद किया जा रहा है और ये फिल्म ओवरसीज से अभी तक लगभग 35 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वहीं ऑल इंडिया ग्रॉस पर दोस्तों ये फिल्म लगभग 210 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके 240 करोड़ का रिकॉर्ड भी बना चुकी है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस सहित वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी है। दोस्तों बता दे चले आपको कि इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पॉन्स अभी ऑडियंस की तरफ से मिल रहा है, उस हिसाब से ये फिल्म गोलमाल अगेन के 205 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़कर कॉमेडी फिल्मों की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी होगी। और हो सकता है दोस्तों कि ये फिल्म 250 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर दे और 2019 की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, अक्षय कुमार सर की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड बनाएगी और कितनी ज्यादा कमाई कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।